मेरे को ट्रस्ट है उन लोग पर एंड आई हैव कंप्लीट फेथ कि उन लोग ने ये कहा. बट निखिल सर जैसे हमारे ट्रेंड में प्रिंस सर है वहाँ पे निखिल सर आए उन्होंने जब वो आए और उनकी गैंग को एडवाइस करेंगे तो तुम वो हमारे वर्ड पे जाएंगे या निखिल सर के वर्ड पे जाएंगे. बट कंपटीशन को कम करना हर गैंग का मोटिव राइट जन्म से डर. यू नेवर नो. अभी मैं जब बाहर दिख रहा सूरत पे दिख रहा था यार कि कंपटीशन बढ़ गया है. I could see it in their face. Yes. ये भी देखते हैं. I'm not kidding. अभी जब बातें करोगे ना उनकी बातों के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा. आज इस मोमेंट से पहले जितने भी प्रॉमिसेस थे ना फिलहाल के लिए भूल जाओ. Every time we have to understand कि सेम सिचुएशन और सेम प्रॉमिसेस नहीं रहेंगे वही. लेकिन यार एक बात ये आज से पहले के प्रॉमिसेस अभी साइड में ठीक है. अब इसके बाद अभी शाम को बात करेंगे. समझ में आएगा सबके एक्सप्रेशन. फ्रेश अप होके जब सबसे इंटरेक्ट करेंगे जब देखेंगे बिहेवियर चेंजेस कितने हैं मूड्स कितने चेंज हैं. सुनो एक बात तो हम भूले हैं. एक बात के बारे में हम सोच ही रहे हैं कि सिर्फ हम डेंजर जोन में नहीं जा रहे. नेहा की गैंग में जा रही है. नेहा की जा रही है. निकल गैंग से एक बंदा जा रहा है. इसीलिए तो बोल रहा हूँ इंटरेक्ट करके देखेंगे कि हमारे प्रति किसके बिहेवियर चेंजेस आए हैं और हमें कितना इनपुट वो दे रहे हैं. अगर वो हमें इनपुट दे रहे हैं कि दूसरी गैंग के बारे में तो शायद हम सेफ अभी आर ऑप्शन ट्रेनिंग लाइक हां देखेंगे वोट आउट में जाकर अगर फिर आ रहे हम रणवीर की गैंग हां तो वो इंटरेक्शन पे डिपेंड होगा. जो भी अभी के लिए हम समझते हैं कि एक तो तुम लोगों में से सेफ हो ही जाएगा ठीक है. और एक का डाउट है वरुण तो वरुण को सेफ वरुण तो पक्का ही है. तुम दोनों के बारे में हम लोग सोचेंगे सब देख के. हमारे गैंग से ये दो टारगेट है. नेहा के गैंग से एक तो शेन है और श्वेता है. बाकी तो हम लोग के ऑप्शन नहीं है. क्या अपना मंदीप भी है यार कुछ नहीं कर सकते. मंदीप और शेन भी नहीं नहीं हम लोग क्या सोचते हैं यूजुअली म्यूचुअली सब लोग को. आई थिंक इफ I have, in my opinion, अगर वहाँ से किसी को निकालना हो तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर शेन बिकॉज ही इज गिवन इनफ चांसेस. उसको बहुत चांसेस मिले. बहुत क्या चांसेस मिल गए हमें सपोर्ट कर सकते हैं. तो यार दैट्स द मेन रीजन. उनकी मंदीप वुड ऑलवेज सपोर्ट अस. मंदीप ने हां लास्ट वोट आउट में भी आई थिंक दिया. मंदीप इज ऑलवेज सपोर्टिव टू मी. लास्ट मुझे सपोर्ट करता है. ही वेंट अगेंस्ट. व्हाट डू यू थिंक निखिल के गैंग से कौन बिट्रे नहीं किया. व्हाट डू थिंक निखिल के गैंग से कौन हो सकता है. अगर सी आई टेल यू अगर उन्होंने राहुल को सेव नहीं किया तो शायद राहुल के जाने के चांसेस बहुत मुझे लग रहे हैं. और अगर अन्ना आ गया अन्ना अगर हमसे अन्ना को डाला तो शायद अन्ना भी जा सकता है. अन्ना नोबडी डाल सकते हैं. मंदीप ये भी सोचेगा एट दैट सेम टाइम कि अगर और एक बंदा गया तो मेरी गैंग में हिस्ट्री होगी. तुम्हें क्या करना है. इवन नॉट गिवन. हम लोग क्या करना है उनसे वो फेवर नहीं लेना. तुम भी डाल दो के बाद नेक्स्ट टाइम. अब तुम्हें क्या करना है उनके जो वोट है वो अवॉइड करवाने हैं. ट्राई करो. ये मत बोलो कि रूलिंग गैंग के पास हिडन प्रिविलेजेस हैं एंड वो उनके वोट्स फिर काउंट होंगे लास्ट वोट आउट की तरह. फिर से अगर कुछ जाओ फ्रेश अप हो सबसे इंटरेक्ट करो उसके बाद लेट्स सी व्हाट कम्स अप. रणजी गैंग से ही बात करेंगे. सबसे पहले उनके पास ही जाना है. सबसे पहले उनसे बात करेंगे. सबसे पहले उनके पास चले. जीत के जाएं तो अलग बात है. बाद में निखिल गैंग बट फिर श्वेता गैंग सॉरी नेहा गैंग. आई एम नॉट गोइंग टू नेहा गैंग. इफ दे वांट टू टॉक लेट देम कम. इवन आई लास्ट टाइम आई वेंट दे बिट्रेड. आई विल गो एंड टॉक. आई विल गो एंड टॉक इन दोनों से. वैसे नॉट जनरली आप लोग को जाना है. आप लोग प्रिंसेस सेड दैट वी हैव टू मेंटेन सेम बिहेवियर विद एवरीवन. एटीट्यूड लेट देम फील. एटीट्यूड मतलब यार नेचुरल जैसे था. जैसे नेचुरल कल तक से हो गया. यू ऑलवेज गो टू एवरीबॉडी. गो टू एवरीवन. मैं आई एम गो यार ऑल द टाइम. बट फॉरगेट नेहा के भी जाना. जा बिंदा जाना. वी द वे वी आर. हम लोग को थोड़ा 0.1% में नहीं फील कराना है. हाउ दे वर बिहेविंग व्हेन दे गॉट इम्यूनिटी. वी डू हैव टू शो नॉट इवन 1%. दे शुड फील कि वाओ ये लोग वैसे ही है.